अरे मास्क लगा लेंगे। अच्छा बोला उधर तो तू ही आ गया। अरे सब लोग आ रहे हैं। खड़े ही नहीं आए थे भाई। मेरे हिसाब से वो टॉप फाइव में तो ज़रूर था एंड वो दिल का बहुत अच्छा आदमी है जितना मैंने उसके बारे में देखा है। और जिस जो मैंने सुना है कि जिस इंसिडेंट की वजह से उसको बाहर निकाला गया दोनों साइड से गलती थी, बट अभी क्या कर सकते हैं। नोबडी नोबडी इज़ अबव बिग बॉस, सो आई जस्ट फील इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड मैंने किसी से उसका नंबर भी मांगा है, सो आई एम गोइंग टू सेंड हिम अ टेक्स्ट दैट ही डिड वेरी वेल, इज अ वेरी नाइस गाय। राहुल सर, डू यू थिंक करण गुंद्रा ने भी प्रतीक को उठा के पटका था और ये छोटी सी गलती की वजह से करण गुंद्रा इज स्टिल इन द हाउस बट उमर इज आउट, डू यू थिंक इट इज बायस फॉर उमर रियाज? भाई अगर इतना डिस्कशन करने लग जाएंगे तो ये लंबी बात है, यहाँ पे एक बिग बॉस हो जाएगा। बट आई जस्ट फील कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स वेरी आई फील सैड फॉर इट। Do you think it's a biased decision by Big Boss ever in the Big Boss history? Do you think it's a biased decision? देखिए मेरे हिसाब से Big Boss के decisions कुछ लोगों के लिए fair लगेंगे, कुछ लोगों के लिए unfair होंगे। But again, I would like to say कि मैं ये नहीं कहूँगा कि fair है या unfair है, but I feel bad for him. And इतनी कहना चाहूँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि I think he was definitely in the top five of, because वो दिल का बहुत अच्छा आदमी है, aggressive है, which is wrong. बट आई थिंक अगर मैं हाउस में होता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन फ्रेंड्स विद हिम। ओके सर, नाउ आप टॉप थ्री में किसको देखना चाहते हो और एज अ विनर किसको देखना चाहते हो? पता है कि अगर मैं टॉप थ्री में किसी के नाम ले लूँगा तो मेरे फैंस उसको वोट करने लग जाएंगे, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जो जीत जाएगा वो मैं बोलूँगा ये मेरा फेवरेट था या फेवरेट थी। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट तेज रन तेजस्वी एंड करण के बारे में क्या बोलना चाहोगे? नो कमेंट्स, थैंक यू सो मच सर। भाई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके कोई गाने हैं? अच्छा, मैं एक और चीज़ कहने वाला था कि लोग बिग बॉस में जाते हैं फिर म्यूज़िक वीडियोस करते हैं। मैं सिंगर हूँ, मैं पहले भी म्यूज़िक वीडियोस करता था, अब भी मैं म्यूज़िक वीडियोस करता हूँ और आगे भी म्यूज़िक ही करता रहूँगा। मैं कोई एक्टर, थैंक यू सो मच, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, इसलिए जब मुझे मीडिया पूछता है कि आपकी कोई वेब सीरीज आ रही है, कुछ और आ रहा है, नो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ म्यूजिशियन, आई एम वेरी हैप्पी परस्यूइंग माय म्यूज़िक। प्लीज़ कीप लविंग माय म्यूज़िक, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माय म्यूज़िक, थैंक यू। सर जी कैसे? बहुत बढ़िया, थैंक यू। बात ये रिगार्ड्स टू दिशा, आप लोग थोड़ा ख्याल रखें यार, मैं मास्क भूल गया हूँ, सो आई अपोलोजाइज टू एवरीबॉडी हुज वॉचिंग। यूजुअली मेरे बैग में मास्क होता है, आज नहीं है, बट अब मैं ऊपर जाके रुकूंगा।